नवीन जिंदल पीछे चल रहे हैं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। कंगना रनौत का मार्जिन आ गया, 1000 वोट से पीछे हैं फिलहाल कंगना रनौत, 1000 वोट से ट्रेल कर रही हैं। वैसे भी हिमाचल में कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी होती है, छोटी कॉन्स्टिट्यूएंस होती है, वहां पर हम मार्जिन पर नजर रखनी पड़ेगी। कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे, मंडी सीट से मैंने आपको बताया कंगना रनौत जो है वो फिलहाल ट्रेल कर रही हैं, ये खबर है। महबूबा मुफ्ती अपनी सीट पर पीछे चल रही हैं, नकुल नाग कमलनाथ के बेटे वो ट्रेल कर रहे हैं अपनी सीट पर छिंदवाड़ा की सीट पर, तो बड़े बड़े दिग्गज जो है वो इस वक्त थोड़े पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूपी में अगर हम बात करें तो रायबरेली का ट्रेंड आ गया, वहां से राहुल गांधी लीड कर रहे हैं, अमेठी से स्मृति ईरानी अपनी सीट पर आगे चल रही है। ओवरऑल देखिए 2543 में जितने ट्रेंड्स हैं, 291 एनडीए के पक्ष में, 111 इंडिया गठबंधन के पक्ष में और 29 और पार्टियों के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक को लेकर भी अच्छा ट्रेंड आ रहा है सर, भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पे आगे है, कांग्रेस 5 सीटों पे आगे और जेडीएस 2 सीटों पे आगे चल रही है। रेवन्ना जो जिसके ऊपर इतने आरोप लगे, जो भी अरेस्ट हो गया, वो आगे चल रहा है अपनी सीट। एनडीए 14 हो गया, मतलब हुआ ये था रेवन्ना का जो पूरा मामला उठा था उससे पहले ही वहां चुनाव पोलिंग हो चुकी थी, तो वो सौरभ जी अगर स्क्रीन पे देखें तो जैसे जैसे हम ओपिनियन पोल में और जैसे जैसे हम एग्जिट पोल में कह रहे थे, कोई भी ट्रेंड मुझे अभी तक उससे इतर नहीं दिख रहा है। तो इससे एग्जिट पोल कितने साइंटिफिक होते जा रहे हैं, कितना उसमें रैंडमाइजेशन टेक्निक अच्छी होती है, उस चैनल ने सारे ओपिनियन पोल लिख के सब चैनल्स को दे दिए थे। सुबह फोन कर दिया कि यही दिखाना है, यही दिखाना है। हालांकि डीएम का नाम नहीं बताया, जयराम रमेश जी ने डीएम का नाम नहीं बताया कि इलेक्शन कमीशन ने उनसे पूछा है कि आप भाई बताइए आपका सोर्स टाइम मांगा। शांतनु यूपी में वो कहानी अभी 70 पार वाली तो नहीं है, लेकिन यूपी का देखिएगा आएगी आएगी। देखिए छोटी मैंने कहा मार्जिन कम होंगे लेकिन अंत तक आएगी। केरल को लेकर बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही सर, 11 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है वहां पर, अभी बीजेपी को कोई बढ़त नहीं मिली है। लेकिन सर वो जो एनालिसिस था ना 295 सीटों का, अब जब वो 295 सीटें कहां से ला रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, कौन अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ये कहेगा कि जी हम तो हार रहे हैं, हमारी सीटें तो जो है बहुत ही कम आने वाली है, ये 295 वहीं से तो लेकर आए। नहीं 295 आ गया, देखिए 295 कहा आ गया, उनकी बात तो ठीक होती है। देखिए राहुल गांधी तो सिद्धू मूसावाला के गाने से 295 लेके आए थे, लेकिन अभी आपके रुझानों में अरविंद जी अच्छी खबर दे रहा है बीजेपी के लिए, 3 सीटों पे आगे चल रही है तमिलनाडु में बीजेपी, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ा अगर तमिलनाडु में सीट कन्वर्ट कर ले जाते हैं बीजेपी अपने आप, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अभी भी ये मतलब ठीक है कि हम लोग थोड़ा नरेंद्र मोदी की पर्सनल जीत इसको कही जाए।